नमस्कार, रंग तरंग के इस ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन कला साधकों से जो भारतीय संस्कृति के कल, आज और आने वाले कल को भी संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। ये वो कलाकार हैं जो हमारी मौजूदा पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। रंग तरंग में आज एक झलक भारतीय कलाओं की, हमारी संस्कृति की और इतिहास के झरोके से आपके लिए हम कुछ खास लेकर आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं आज के खास एपिसोड की। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे कलाकार से जो अपनी कला के माध्यम से आज भारतीय कला संस्कृति को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रही हैं। मशहूर प्रख्यात नृत्यांगना, एक शिक्षाविद, विरासत विशेषज्ञ के रूप में आज वो मौजूदा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से जोड़ रही है। कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन क्या वो एक चीज़ जो आज भी उन्हें निरंतर प्रेरित करती है, उनकी ऊर्जा का क्या है राज, आइए आपको मिलवाते हैं प्रख्यात नृत्यांगना डॉक्टर नवीना जाफा से। शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत की पौराणिक कथाओं का इतना सुंदर चित्रण, भारत की विरासत की झलक और भारतीय संस्कृति को नमन, सभागार को भाव विभोर कर दिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना नवीना जाफा ने। सांस्कृतिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, विरासत विशेषज्ञ, प्रसिद्ध नृत्यांगना नवीना जाफा ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से समाही बांध दिया। ये अवसर था IIC और IIL के सहयोग से आयोजित बर्ड्स इन द गार्डन उत्सव का। Already intoxicated. He, your Shiva. जहां प्रतिभा और समर्पण का जश्न मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक जगत के कई प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नवीना जाफा को सनातन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नृत्यांगना, लेखिका, कलात्मक कौशल और विरासत पर्यटन विशेषज्ञ डॉक्टर नवीना जाफा के लिए ये बेहद यादगार लम्हा था। उनकी माँ पद्मश्री से सम्मानित लेखिका मनोरमा जाफा विशेष रूप से उनका हौसला बढ़ाने इस आयोजन में शामिल हुई। इनका योगदान है 20वीं सदी में जिस तरीके से रचनात्मक बाल साहित्य का आकार और आगाज करना, और इन्होंने 250 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, बड़े फेमिनिस्ट किताबें लिखी हैं एडल्ट्स के लिए, बाकी बच्चों के लिए स्पेशली पिक्चर बुक स्टोरीज, और उसमें वर्ड्स इन द गार्डन इस उत्सव का नाम है। और हम दोनों आज हरे हरे पहनकर आए हैं, और इन्होंने बहुत फूल पत्ती की कहानियाँ लिखी हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक करके, डॉक्टर कलाम उसमें इन्वॉल्व थे और एक डॉक्टर सिरोही थे जिनके नाम पर सिरोही पॉइंट है एंटार्क्टिका में, उसके ऊपर उन्हें एंटार्क्टिका में, फिर इन्होंने बीटल्स के ऊपर लिखा, फिर उन्होंने फ्लावर्स एंड आई लिखी है, फिर उन्होंने मैडम बिल्लो और अपने एंड फ्लावर्स लिखी है, तो बहुत तरी एंड ग्रोइंग ट्रीज, प्रकृति में किस तरीके से बच्चों को रुचि होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये वर्ड्स इन द गार्डन बहुत ही खूबसूरत वो है, और अम्मा तो दो दिन से सोई नहीं है, इतनी एक्साइटेड थी कि ये आएंगी और खूब तैयार होकर आई, एंड मेरी खुशकिस्मत है कि ये हैं मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए। डॉ
नवीना जाफा की ऊर्जा उनकी प्रस्तुति के अंदाज ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि वो इस मुकाम तक पहुंची हैं और इनका मुकाम बहुत ऊंचा है अभी, क्योंकि मैंने तो जिस समय से देखा है। और मैं आप सर, मैं और इससे बड़ी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कहा पिक्चर ले लो, मैं पिक्चर लेना भूल गई क्योंकि मुझे इतनी खो गई थी इसकी परफॉर्मेंस में। डॉक्टर नवीना जाफा अपनी कला और ज्ञान कौशल से युवाओं को भारत की संस्कृति से जोड़ने में जुटी हुई हैं। सबसे पहले बताइए आज के इस अनुभव के बारे में। बसंत है और ये जो उत्सव है वर्ड्स इन द गार्डन ILM यूनिवर्सिटी का सनातन संगीत संस्थान ने ये मुझे आज पुरस्कृत भी करा है कि जो मेरा योगदान रहा है नृत्य में, केवल प्रदर्शन करने के लिए नहीं, शोध के लिए भी और प्रदर्शन कलाओं से जुड़ी हुई अनेक चीज़ों के लिए। तो आज जब मैं आई तो मैंने दो बंदिशें करी, एक कामदेव और एक मुग्धा नायिका जो छेड़छाड़ है, और विद्यापति कवि विद्यापति मैथिली कवि हैं, उनकी थी छेड़छाड़ और मेरा अभिनय था। और बड़े ठाट से मैंने दिखाया कि भाई कामदेव मुझे छोड़ दो, मैं तो प्रेम करती हूँ कृष्ण जी से, और किसी तरीके से वहम ना पैदा करो। यानी कि आपने पूरी परफॉर्मेंस में ऑडियंस को खुद से जोड़े रखा, एक इंटरेक्टिव सेशन था। ये खास तौर पर कोशिश होती है कि आज की पीढ़ी हमारी कलाओं से जुड़े रहे, कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ उनको जोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल, और जैसे आप तैरते जा रहे हैं, कुछ बोल हैं उनका एहसास, अब जैसे पानी का है, ताव थूंग तक थूंग ता थूंगा दिग दिग थूंगा ता थूंगा ता थूंगा तत ते थे, जो भ्रमर है पानी का, या उसमें तक नक तक री कुक तक तक झनक 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 झनक, ये सारी जो हरकतें हैं प्रकृति की, ये सारे जो छंद हैं वो मेरे पंडित बिरजू महाराज जी हैं। और फिर उसमें मैंने इतलाते हुए पेशवास की गत, पतंग तैरती हुई, ये दिल्ली की विरासत है और दिल्ली में ही इतना सब कुछ संस्कृति हुई, इस इरादे से मैंने अपने आमंत्रित करा अपने रसिक जनों को, आइए मेरे नाव में बैठिए और वसंत ऋतु का एहसास करिए। नवीना जी, आपको आपके शोध के लिए जिस तरह से आज पुरस्कृत किया, जिसका आपने जिक्र किया, 500 से ज़्यादा स्कूलों में संस्थानों में आप बच्चों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हमारी संस्कृति से जोड़ रही हैं, किस तरह से वो एक आपका प्रयास है, वो आपके व्यक्तित्व का एक और पहलू है, बतौर गुरु जिस तरह उस पर आप जुड़ी हुई हैं उसके बारे में भी थोड़े से साझा करें। जी, मैं CBSE के हेरिटेज एजुकेशन में मैंने 5,000 टीचर्स को मैंने शिक्षा दी कि हेरिटेज से आप मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग कैसे करते हैं, गणित के, इतिहास के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और मैंने लैब्स बनवाए कश्मीर से लेकर झारखंड से लेकर अलग अलग प्रांतों में। और साथ में मैं आशा करती हूँ इसी वजह से लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। डॉक्टर नवीना की यात्रा उनकी उपलब्धियों की तरह ही प्रेरणादायक है। भारतीय प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। देश की विरासत के संरक्षण में जुटी डॉक्टर नवीना की प्रतिबद्धता उनकी प्रस्तुति में, उनकी कला में साफ नजर आती है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। महापराक्रमी, एक श्रेष्ठ योद्धा होने के साथ साथ लक्ष्मण जी कई कलाओं में भी निपुण थे। लक्ष्मण जी की यशो गाथा को, उनके जीवन को, उनके कर्तव्यों को, उनकी कथनी, उनके काम को एक पुस्तक में बेहद खूबसूरती से वर्णन किया गया है। डॉक्टर विनोद बाला अरुण की ये पुस्तक लक्ष्मण गुणगाथा का विमोचन किया गया, आइए आपको लिए चलते हैं इसके कार्यक्रम में।
भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को लेकर मॉरिशस के रामायण केंद्र की निदेशक एवं लेखिका डॉक्टर विनोद बाला अरुण ने एक पुस्तक लिखी है। लक्ष्मण गुणगाथा नाम की इस किताब का दिल्ली के प्रवासी भवन में लोकार्पण किया गया। किताब की लेखिका डॉक्टर विनोद बाला अरुण ने किताब के 18 अध्यायों का जिक्र करते हुए कहा कि लक्ष्मण जी को बहुत गुस्से वाला व्यक्ति माना जाता रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी धैर्य के परिचायक भी हैं। विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से ये बात सिद्ध होती है, लक्ष्मण जी के बिना राम जी की जीत इतनी आसान नहीं होती। डॉक्टर बाला ने कहा कि माँ कैकेयी ने भी बहुत सोच समझ कर भगवान राम को वन गमन के लिए भेजा और वहीं लक्ष्मण जी ने भी स्वयं राम जी के साथ वन जाने का फैसला किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रवासी भवन में हुए समारोह में अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री राम कथा वाचक अजय भाई ने लक्ष्मण जी को समर्पण पुरुषोत्तम बताकर उनके योगदान की सराहना की। प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार ने पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी तो अनिल जोशी ने पुस्तक का मर्म समझाया। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर बिनू, हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रामायण केंद्र कैसा चल रहा है? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को जय श्री राम कहना चाहूँगी जी। रामायण सेंटर की स्थापना 2001 में हुई थी और मॉरिशस की संसद ने एक विधेयक पारित करके इसकी स्थापना की थी और मुझे लगता है विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस प्रकार का कार्य पूरा हो सका। और रामायण सेंटर की स्थापना ही इसलिए हुई कि रामायण के जो मूल्य हैं, सार्वभौम मूल्य जो हैं, सार्वकालिक मूल्य, उनका हम वैश्विक प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि ये मूल्य ही हैं, जीवन मूल्य, जो हमें मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं, जो हमें मानवता का संदेश देते हैं, हम कैसे मनुष्य का जीवन जीते हुए दिन ब दिन उत्कर्षगामी हो सकते हैं, ये सारी बातें हमें राम कथा, भगवान राम के चरित्र और उनसे जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं उनसे सीखने को मिलती है। मॉरिशस दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने रामायण केंद्र बनाया और उसकी संसद ने वहाँ मंजूरी दी, कैसे सब संभव हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों का प्रयत्न था। मेरे पति पंडित राजेंद्र अरुण, वे 1982 से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो वहाँ का रेडियो और टेलीविज़न का जो केंद्र है, तो वहाँ पर रेडियो पर एक कार्यक्रम करते थे मंथन, और वो रामचरितमानस पर आधारित था। आधे घंटे का वो कार्यक्रम होता था, वो इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि आप कथा कीजिए। वो मेरे पति बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत अच्छा बोलते थे, तो फिर उन्होंने वहाँ राम कथा आरंभ की। फिर उनको लगा कि नहीं, केवल इससे काम नहीं चलेगा, मुझे लेखन के माध्यम से भी रामायण का प्रचार करना है, तो उन्होंने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों पर, रामचरितमानस पर आधारित उन्होंने पुस्तकें लिखी। वो पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हुई। तो इन सबसे उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि यदि इस देश की सरकार रामायण को मान्यता दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसको यहाँ की संसद मान्यता दे। और उन्होंने फिर सरकार से बातचीत की, बीच में रुकावटें आईं जो कि हर अच्छे काम में आती हैं, और वहाँ की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस बात को समझा कि हाँ, रामायण के मूल्य जो हैं वो सबके लिए हैं और उनका ज़रूर प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमने उसके उद्देश्य बनाए थे कि क्यों रामायण सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, तो उनके उद्देश्यों में एक ये भी उद्देश्य था कि हिंदू जाति के लिए, हिंदू जाति के उत्थान के लिए। तो जब ये गया वहाँ पर बिल पास करने के लिए, जब रीडिंग्स हुई, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया
उन्होंने कहा आपने क्यों आपने रामायण को राम जी को इतना सीमित कर दिया, संकीर्ण कर दिया, आपने क्यों कहा हिंदुओं के लिए, आप बोलिए मानव मात्र के लिए, कम्युनिटी एट लार्ज। तो हमने उसमें जब कम्युनिटी एट लार्ज जोड़ा तब जाकर के उसको स्वीकृति मिली। और जितने भी वहाँ पर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ बोलते हैं MLAs, जितने भी थे वो हर समुदाय के थे, अफ्रीका के हैं, चाइना के, चीनी हैं, हर तरह के, और सब ने उसमें अपने अपने विचार रखे थे और ये निर्विरोध सर्वसम्मति से पास हुआ। तभी आपने किताब लिखी लक्ष्मण गुणगाथा, इसमें क्या है? पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरी अकेले की लिखी हुई नहीं है, इसे मेरे पति ने आरंभ किया था। उनकी 8 पुस्तकें आ चुकी थी, 8वीं पुस्तक थी रामायण में नारी पात्र, और उसके बाद वो चाहते थे कि जितने भी पुरुष पात्र हैं, राम जी पे आ चुकी थी उनकी पुस्तक, भरत जी पे आ चुकी थी, हनुमान जी पे आ चुकी थी, दशरथ जी पे आ चुकी थी, तो उनको लगा कि अब जितने भी शेष पात्र बच गए हैं उनको समाहित करते हुए एक पुस्तक लिखी जाए पुरुष पात्रों पर। तो उन्होंने जब लिखना आरंभ किया तो शत्रुघ्न जी पर पहला अध्याय लिखा और उसके बाद लक्ष्मण जी पर लिखना शुरू किया, क्योंकि राम कथा के राम जी और भरत जी को छोड़ दिया जाए दशरथ जी को, तो ये दो मुख्य पात्र हैं। तो शत्रुघ्न जी के बाद उन्होंने जब लक्ष्मण जी पर लिखना शुरू किया, उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, उनको पार्किंसन था और हाथ कांपता था, तो वो आगे नहीं बढ़ा पाए उस काम को। और मैंने सोचा जहाँ उन्होंने लिखना बंद किया है मैं वहाँ से आगे बढ़ाऊँ, तो जहाँ उन्होंने लक्ष्मण जी पे लिखना, जहाँ उनकी लेखनी रुकी थी, मैंने सोचा कि कुछ लाइनें लिख करके, कुछ पृष्ठ लिख के मैं लक्ष्मण जी पर ये चैप्टर बंद करके और आगे अन्य पात्रों पर लिखूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि राम जी को कुछ और मंजूर था, लक्ष्मण जी को कुछ और मंजूर था, और उन्होंने कैसे मुझसे पूरी पुस्तक लक्ष्मण जी पे लिखवाई मैं नहीं कह सकती कि मैंने लिखा है। मुझे लगता है या तो भगवान ने लिखवाई या कहीं से कोई एक प्रेरणा मिली, कहीं से मेरे पति देव की प्रेरणा थी कि ये पूरी पुस्तक लक्ष्मण जी पे आई। तो आपने जैसे कि लक्ष्मण जी के ऐसे कौन कौन से बिंदुओं को रखा जिसे जानना जरूरी है? तो इसलिए है, तो ये पुस्तक मूल रूप में तो रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ वाल्मीकि जी से मुझे कुछ लेना है ताकि लक्ष्मण जी के चरित्र के साथ हम न्याय कर सकें, वहाँ मैंने वाल्मीकि जी से भी लिया। तो वाल्मीकि जी ने जैसे तुलसीदास जी ने, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि जब चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी पहुँचते हैं तो ये होता है कि पर्णकुटी कहाँ बनाई जाए, तो एक जगह लक्ष्मण जी जा कर के चुनते हैं, राम जी को दिखाते हैं कि देखिए ये जगह ठीक है, राम जी बोलते हैं बहुत सुंदर, और वहाँ पर ये है कि कुटिया विश्वकर्मा जी ने लोगों को भेज करके, अपने लोगों को भेज करके वो कुटिया बनाई, क्योंकि तुलसीदास जी के राम भगवान हैं तो उनके लिए विश्वकर्मा आए। लेकिन जब वाल्मीकि जी ने लिखा तो उन्होंने लिखा कि स्वयं लक्ष्मण जी ने वो पर्णकुटी अपने हाथों से बनाई, एक एक घास काट करके, और वो कुटिया इतनी सुंदर बनी कि जब राम जी ने देखा तो उन्होंने एक तरह से लक्ष्मण जी की प्रशंसा की, सराहना की कि तुमने इतनी सुंदर पर्णकुटी बनाई जिसमें तुमने मेरे हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। तो ये जो उनका गुण है ये वाल्मीकि रामायण में और अधिक निखर करके आया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमेशा राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी रहते ही रहते थे, और एक तरीके से देखें कि पूरी यात्रा, जब वनवास का पूरा कार्यकाल, लक्ष्मण जी एक बड़ी ताकत के तौर पर, एक बिल्कुल दंड के साथ उनके साथ रहे वो, और लेकिन जनमानस में लक्ष्मण जी को अभी उतना वो नहीं मिला। हाँ, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि श्री राम महानायक हैं, राम कथा के महानायक श्री राम हैं। तो हर महानायक के साथ यही होता है कि जो बाकी चरित्र हैं, बाकी जो पात्र हैं, वो एक तरह से परिधि पर आ जाते हैं, केंद्र में महानायक होते हैं।
इसीलिए बाकी चरित्रों पर और पात्रों पर इतना अधिक प्रकाश नहीं डाला गया जितना कि राम जी पर। और जैसा आपने कहा कि तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि रघुपति बिमल कीर्ति पताका, कि रघुवर के मतलब भगवान राम की कीर्ति पताका को गगनचुंबी बनाने में लक्ष्मण जी ने डंडे की भूमिका निभाई। आपके पास कितना भी सुंदर झंडा हो, कितनी भी सुंदर पताका हो, यदि सुंदर डंडा नहीं होगा तो वो पताका ऊंची कैसे उड़ेगी। तो एक तरह से श्री राम के यश को दिगंतर तक फैलाने में लक्ष्मण जी ने महती भूमिका अदा की है। मुझे नहीं लगता विश्व में कहीं भी कोई ऐसा पात्र होगा जिसने अपने भाई के लिए सबका त्याग कर दिया। और वाल्मीकि रामायण में भी है और तुलसी रामचरितमानस में भी है कि जब लक्ष्मण जी को ये समाचार मिलता है राम जी के जाने का, तो बिलख करके रोते हुए आते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो उर्मिला से भी मिलने नहीं जाते, माँ से मिलने जाते हैं सुमित्रा जी से। सुमित्रा जी स्वयं कहती हैं कि तुम रही काज राम बन जाही, लगता है कि तुम्हारे ही कारण राम जी जा रहे हैं ताकि तुम उनकी सेवा कर सको। लेकिन वो उर्मिला से मिलने नहीं जाते, क्या कारण हो सकता है? इतनी जल्दी तो नहीं रही होगी कि उर्मिला से ना मिले, लेकिन उनको ये लगा होगा कि कहीं उर्मिला के आंसुओं के समक्ष मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं। तो कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। तो हमारी जो राम कथा है, हमारी राम कथा के जो पात्र हैं, उन सबका जो त्याग है, जो समर्पण है, जो प्रेम है, मुझे नहीं लगता कि विश्व इतिहास में हमें कहीं भी ऐसा कुछ भी देखने और पढ़ने सुनने को मिले। समर्पण भाव में तो लक्ष्मण जी का कोई जवाब ही नहीं, जवाब ही नहीं। मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगी कि लक्ष्मण जी के बारे में जब राम जी आ जाते हैं, उनका राज्याभिषेक हो जाता है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको बधाई देने उनसे मिलने आते हैं। तो अगस्त ऋषि आते हैं, तो अगस्त ऋषि उनसे एक बात कहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में है, मैंने लिया है अपनी पुस्तक में। तो अगस्त जी कहते हैं कि राम जी, आपने जो रावण का वध किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ वही बड़ी बात है, क्योंकि ये संभव ही नहीं था कि मेघनाद का वध कोई कर दे। और इसीलिए रावण अपने को अवध्य मानता था। एक कारण ये भी था कि उसे मालूम था जब तक मेघनाद है मेरा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो लोक में, ये रामायण में नहीं है लेकिन लोक में ये प्रचलित है कि लक्ष्मण जी मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हें वही मार सकेगा जो 12 वर्षों तक जिसने जो निराहार रहा हो, जो 12 वर्षों तक सोया नहीं हो और 12 वर्षों तक बिना भोजन किए, बिना विश्राम किए, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, वही मेघनाद को मार सकेगा। तो यदि हम लोक की इस बात को ले लेते हैं तो बताइए कितना बड़ा त्याग है कि राम जी तो विश्राम कर रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी विश्राम नहीं किया। आज आपका दिल्ली में ये पुस्तक का विमोचन हो रहा है, तो क्या दिल्ली में क्यों रखा है इसका विमोचन? दिल्ली में क्योंकि ये प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और प्रभात प्रकाशन दिल्ली में है, उनका ये निर्णय था कि चूंकि ये पुस्तक उन्होंने छापी है, इसके पहले भी हमारी पुस्तकें, मेरे पति की पुस्तकें जब उन्होंने छापी तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे बातचीत की। आपको भी बहुत धन्यवाद। आज की पीढ़ी ने, आज के बच्चों ने विश्व प्रसिद्ध जादूगर गोगिया का सिर्फ नाम ही सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आप 1950 के दशक के इस हैंड पेंटेड पोस्टर में उनको देख भी सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल रूप में। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की प्रदर्शनियाँ हमारी मौजूदा पीढ़ी को, हमारे आर्टिस्ट को एक नई प्रेरणा दें, उन्हें एक नई ऊर्जा से भरें। 1950 में कैसा हुआ करता था हमारा बनारस, बेहद खूबसूरती से इस पोस्टर में उसको डिपिक्ट किया गया है, वाकई बेहद खूबसूरत। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, तब तक आप कला के किसी ना किसी माध्यम से खुद को ज़रूर जोड़े रहें। आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।